नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी। आस्था और भक्ति के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी के पावन धाम पर, जिस धाम का सिरा रामायण काल के लंका कांड से जुड़ता है, जिस धाम से बजरंग बली का शौर्य जुड़ा हुआ है। तो साथ ही जुड़ी हुई है एक संत की दिव्य दृष्टि भी, जिन्होंने न सिर्फ लक्ष्मण के प्राण बचाए बल्कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता भी बताया। आज ये धाम तीर्थ बन चुका है, जहां पहाड़ी पर पवन पुत्र की 108 फुट ऊंची प्रतिमा देखकर मन हनुमत भक्ति में डूब जाता है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जिनका साथ पर होने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, महाबलशाली हैं, वो है कपीश्वर हनुमान जी। जो रघुवर के काज संवारने वाले हैं, जिन पर सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा दृष्टि रहती है। यह हनुमान जी का पराक्रम ही था जिसने रावण को धरती में मिलाने की पटकथा लिखी। श्री राम के संकट का निवारण कर संकट मोचक कहलाए। हनुमान जी जो सभी गुणों से युक्त हैं, विनम्र हैं, बुद्धिमान हैं, तो साथ में हैं बलशाली भी, जिनके शौर्य की गाथा पुराणों में दर्ज है। रामायण में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब महावीर ने अपने विवेक से देवताओं का मान रखा, तो मद में चूर आततायियों को रुद्रवीर ने बाहुबल से परलोक का वासी बना दिया, जिनके प्रताप से कलयुग में भी उजियारा है। मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी की साधना से ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आज हमारे खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में आज हम आपको लेकर चलेंगे पवन पुत्र के पावन धाम जाखू तीर्थ में, जो स्थापित है पहाड़ों की रानी शिमला में, जहां आंजनेय की 108 फुट ऊंची मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। जाखू मंदिर भगवान श्री राम और हनुमान जी को समर्पित है, जहां भारी तादाद में बंदरों का डेरा रहता है। जाखू मंदिर की पहाड़ी करीब 2100 मीटर ऊंची है, जिससे पूरे शिमला का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ों पर चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं, जिनके बीच में विशालकाय पवन पुत्र की प्रतिमा स्थापित है। जिसे देखते ही भक्त श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो जाते हैं, आस्था में अंजनी पुत्र के आगे शीश झुका देते हैं। जाखू जी में सबसे पहले तो मैंने जब ये हनुमान जी की मूर्ति को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही विशाल का मूर्ति है। ऐसा लगा जैसे पहली बार मैंने इतनी बड़ी मूर्ति देखी। बहुत मतलब पहले से ये माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो यहाँ विश्राम किया था, तब से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत शांति मिल रहा है मुझे यहाँ आकर के। पहले तो ऐसा कुछ पता नहीं था, बट नाम सुना था और आने के बाद मुझे ऐसा अनुभव भी हो रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है। जो भी यहाँ पे कोई भी मन्नत लेके आता है तो वो पूरी होती है, बहुत सुकून मिलता, जो भी है पूरा भाग जाता, शांति बहुत शांति मिलता। भगवान अगर इसमें चढ़ गए ना वो पूरा भाग जाता, जो भी है बहुत सुकून मिलता, सुकून मिल जाता। बुलावा आया था तो आना था, आज पहुंच पाए, दर्शन हुए, अच्छा लगा। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है,
यहाँ से पूरा शिमला का व्यू नजर आता है। ये जो है हनुमान जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए जहाँ यहाँ जो लोग हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। जाखू धाम से ऋषि यक्ष की तपस्या जुड़ी है, तो साथ में जुड़ा है वायुवीर का वचन, जिससे जुड़ी है रामायण की मार्मिक कथा। कथा है कि जाखू पर्वत से ही पवन पुत्र को द्रोणागिरी पर्वत का मार्ग मिला था, जहाँ से संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने धरतीधर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे और रघुनाथ का संताप मिटाया था। कथा है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तब से ही यहाँ विजयादशमी की काफी धूम रहती है। हनुमान जी की वीरता और उनके पराक्रम को याद में रखते हुए जाखू मंदिर में दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें काफी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पहले मंदिर तक जाने में काफी घंटों का सफर तय करना पड़ता था, आज भक्तगण रोपवे के सहारे महज 6 मिनट में जाखू धाम तक पहुंच जाते हैं। सुबह हनुमान जी की मूर्ति का विहंगम दृश्य देखने को हमें मिलता है, जब अरुण वेला में सुबह की पहली किरण महावीर को स्पर्श करती है, तो सिंदूरी रंग के हनुमान जी सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं, मानो प्रतिमा अपना स्वरूप बदल रही है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामायण की कथा तो हम सब ने ही सुनी होगी कि कैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, लेकिन एक छन्न युद्ध और हुआ था जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब हनुमान जी ने एक ही रात में संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए थे। मान्यता है कि संजीवनी बूटी की खोज में जाते हुए जाखू की इन्हीं पहाड़ियों पर हनुमान जी के चरण पड़े थे, जिससे जाखू का आधा पहाड़ जमीन में धंस गया था। समुद्र तल से 8048 फीट की ऊंचाई पर जाखू पहाड़ी पर बना है जाखू हनुमान टेंपल, जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाता है, जहां से बर्फीली चोटियों, घाटियों और शिमला शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। जाखू पहाड़ी से सनराइज और सनसेट को देखने की अनुभूति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। भगवान हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, जिसका अनावरण 2010 में ही किया गया है। बजरंग बली की मूर्ति 33 मीटर ऊंची यानी 108 फीट की है, जो कि देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ये मूर्ति पत्थर से बने एक बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर बनी हुई है, जिसके चारों तरफ देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। इस मंदिर की पौराणिक कथा रामायण काल से जुड़ती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब इसी जाखू की पहाड़ी पर कुछ देर के लिए कपिराज के कदम पड़े थे। कथा कहती है कि हनुमान जी जब याकू की इस पहाड़ी पर उतरे, तो पहाड़ आधा जमीन में धस गया था। रामायण की इस कथा के पीछे छिपा है त्रेता युग के सबसे बड़े युद्ध का क्लाइमैक्स। कथा कहती है कि लक्ष्मण और रावण के पुत्र मेघनाथ का घोर युद्ध चल रहा था, तब मेघनाथ ने अपनी माया से लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। कथा कहती है तब हनुमान जी ही वैद्यराज सुषेण को लंका से लेकर आए, तब वैद्यराज ने असाधारण उपाय बताया। वो उपाय था हिमालय से एक रात में संजीवनी बूटी लाने का। कथा कहती है कि तब हनुमान जी बिना पल गंवाए हिमालय की तरफ निकल पड़े। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नजर एक तपस्वी पर पड़ी, जिनका नाम याकू था। तो हनुमान जी ने याकू ऋषि से संजीवनी के बारे में पूछा। ऋषि याकू ने हनुमत का प्रयोजन धर्म सम्मत जानकर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलने की बात कही। कथा कहती है ऋषि याकू ने हनुमान जी से संजीवनी लेकर लौटते समय मिलने का आग्रह किया, जिसे महावीर ने मान लिया। कथा है कि हनुमान जी के रणकौशल को रावण देख चुका था, कहीं हनुमान एक रात में संजीवनी लेकर ना आ जाए, तो उसने अपने महाभट्ट कालनेमी को हनुमान जी को भरमाने के लिए मार्ग में उतार दिया। कपटी कालनेमी ने हनुमान जी का कुछ समय जरूर खराब किया, लेकिन वो भी महाबल के मार्ग की बाधा न बन सका और हनुमान जी ने उस दुष्ट की इहलीला समाप्त कर दी।
हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लंका की ओर उड़ चले थे। लौटने में कहीं विलंब न हो जाए इसलिए हनुमान जी याकू पर्वत पर नहीं उतरे। जब हनुमान जी वापस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए। हनुमान जी याकू ऋषि को दिया अपना वचन निभाना चाहते थे। कथा कहती है कि हनुमत ने अचानक प्रकट होकर अपना विग्रह ऋषि याकू के सामने बनाया और अंतर्ध्यान हो गए। कथा है कि हनुमान जी के दर्शन देने के बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर इस पहाड़ी का नाम याकू से जाखू हो गया। मान्यता है कि वहां आज भी हनुमान जी के पदचिन्हों को संगमरमर से बनवाकर रखा गया है। आज बजरंगबली की विशाल मूर्ति मंदिर में स्थापित है। देश ही नहीं दुनिया भर के सैलानी बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन करने यहाँ आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करके खुद को धन्य समझते हैं और होती है भक्तों की मनोकामना पूर्ण। बहुत दूर दूर से लोग देश विदेश तक से यहाँ पर आते हैं और माना जाता है कि यहाँ पे अब जो भी सच्चे दिल से मांगो वो मान्यता आपकी जो है मन्नत पूरी होती है। हनुमान जी राम भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी में तो आस्था है ही। मैं ज़रूर कहूँगी एक बार आने के लिए, अगर कोई शिमला आता है तो ये जगह मुझे लगता है सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए, और अगर आपका भगवान में आस्था है तो आप जरूर आए यहाँ पे। नहीं, चमत्कार तो ऐसा है कि हनुमान जी में अगर आपकी आस्था है तो वैसे नहीं सारे कार्य जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हनुमान जी पे श्रद्धा रखो तो सब काम पूर्ण होते हैं। यहाँ आता है आदमी तो बहुत सुकून मिलता है। कई बार तो आदमी चाहता है कि मैं सारा दिन यहाँ ही रहूँ और इसी दरबार में इसके मत्था टेकूँ। हनुमान जी की बड़ी आस्था है जिसमें लोगों के प्रति। हनुमान जी के मंदिर पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन इस मंदिर का जो एक महत्व है वो अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। पहली बात, इतनी ऊंचाई पे आया इतने अच्छे मौसम में और यहाँ पे दर्शन करना सभी के लिए अच्छा अनुभव रहा। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज जाखू टेंपल तीर्थ बन चुका है, जहां पर हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा ने जाखू मंदिर को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय बना दिया है। मंदिर में दाखिल होते ही रामायण के सारे प्रसंग हमारी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। हनुमान जी की लीलाओं के जीवंत दर्शन हमें मिलने लगते हैं। मान्यता है कि बजरंग बली के सम्मुख जो भी सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिनके बाहुबल के आगे बड़े से बड़े पहाड़ भी ढेर हो जाते थे, जिनके प्रताप के आगे द्रोणागिरी पर्वत भी बौना हो गया, श्री राम के भाई को संजीवनी मिली और शेषनाग स्वरूप लक्ष्मण के प्राण बच चुके थे, उन्हीं शूरवीर का मंदिर बना है शिमला में जाखू की पहाड़ी पर, देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच। सर्दियों में जब जाखू पहाड़ी पर बर्फ गिरती है तो नजारा अलौकिक दिखाई देता है, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं, बाहुबली में अपनी अगाध आस्था जाहिर करते हैं। शिमला शहर से ही जाखू पहाड़ी के नीचे से ही रुद्रवीर के दर्शन हमें हो जाते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें लाल रंग से रंगी सिंदूर वर्णी नजर आती है, जहां गर्भगृह में हनुमान जी शिला स्वरूप में विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही दो देवियां अगवानी करती दिखाई देती हैं, जहां श्री राम के सम्मुख हनुमान जी विनय मुद्रा में विराजमान है। मंदिर कितना प्राचीन और ऐतिहासिक है इसकी तस्दीक मंदिर में लगी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर करती है, जिसे साल 1837 का बताया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में दाखिल होती ही रामायण के लंका कांड का मार्मिक चित्रण हमारे सामने आ जाता है, जिस घटना से जाखू मंदिर का सिरा जुड़ता है। हम सब ने रामायण की कथा सुनी होगी कि कैसे रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब 100 योजन पार कर तमाम विषमताओं को लांघ कर हनुमान ने लंका जाकर कैसे माता जानकी का पता लगाया था। रामायण की इस मार्मिक घटना का विवरण मंदिर की दीवारों पर दर्ज है। आप भी देखिए कैसे हनुमान अशोक वाटिका में अपने आने का प्रयोजन बताते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं, माता सीता को आश्वासन देकर हनुमान पूरी लंका को स्वाहा कर देते हैं,
ये कथा भी मंदिर की दीवारों पर दर्ज मिलती है। मंदिर की दीवारों पर रामायण का सार अंकित है, अन्याय पर न्याय की जीत लिखी है। एक और प्रसंग देखिए, कैसे रामायण के लंका कांड में जब मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र से घायल कर देते हैं, बर्छी के वार से घायल लक्ष्मण को देखकर रघुवर असहाय हो जाते हैं, तभी महावीर हनुमान रघुवीर के काज संवारते हुए हिमालय से संजीवनी बूटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की बुद्धि और पराक्रम की कई गाथाएं दर्ज हैं। गर्भगृह में हनुमान जी का विग्रह शिला स्वरूप में है, जहां अन्य देवगणों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सिंदूरी वर्ण में पवन पुत्र अपने भक्तों को कल्याण का वरदान देते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर प्रांगण में ही सिंदूरी रंग के पवन पुत्र की विशाल प्रतिमा स्थापित है। रुद्राक्ष के माला पहने कपीश्वर हाथ में गदा धारण किए एक प्रहरी की भूमिका में दिखते हैं, जिनके रहते कुछ भी अनिष्ट हो नहीं सकता। मंदिर में ही हनुमान जी के चरण चिन्ह हमें मिलते हैं, जो आज भी दिखाई देता है, जिसे देखकर श्रद्धालुओं का मन बरबस ही हनुमत भक्ति में रम जाता है और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो बाबा के द्वार पर भंडारा करता है। देखो जी, जाखू मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ही नहीं लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है यहाँ पे आते हैं और बहुत आस्था है लोगों की, और भंडारों को जो आयोजन है वो लोकल की तरफ से भी किया जाता है और बाहर वालों की तरफ से भी किया जाता है। कोरोना के कारण कई लोग अपना भंडारा यहाँ नहीं कर सके। यहाँ पर दो दिन भंडारा होता है, मंगलवार और रविवार के दिन, लेकिन जो कोई शनिवार को करना चाहे तो इसकी व्यवस्था मंदिर के मैनेजर करते हैं। जाखू के हनुमान मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में चना और इलायची चढ़ाई जाती है। इसके अलावा लोग श्रद्धा से लड्डू भी चढ़ाते हैं। वैसे तो साल भर ही शिमला आने वाले भक्त बाबा के दर्शनों को जाते हैं, लेकिन हनुमान जयंती के दिन मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं होती। उस दिन श्रद्धालु परमेश्वर से एकाकार होना चाहते हैं। हाँ जी, जैसे हनुमान जयंती में कम से कम 2 क्विंटल का रोट बनता है जो श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई लगभग 12,000 आदमी का खाना बनाया जाता है। मंदिर में हनुमान जी की आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है। सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, इसके बाद हनुमान जी का श्रृंगार होता है। सुबह 7 बजे आरती का विधान है। दोपहर में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। शाम को गोधूली वेला में आरती का विधान है। रात 8 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर में आते ही बजरंग बली की शौर्य गाथा हमारी आंखों के सामने आ जाती है। हनुमान जी की राम भक्ति जानकर आंजनेय के प्रति मन आस्था से नतमस्तक हो जाता है। तो आप भी जब शिमला आए तो हनुमान जी के जाखू टेम्पल जाना ना भूलें। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था और भक्ति के हनुमान दरबार से अब निकलकर चलते हैं आज के धर्म सूत्र की ओर। देखिए, हमारे यहाँ पूजा जो कितने प्रकार की हैं, राजोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, पंचोपचार पूजा है, तो सारे भक्तों को यथाशक्ति जो जैसा भोग अर्पण करता है वो करता, सारे प्रसाद को भगवान ग्रहण करते हैं। यद्यपि जो सामर्थ्यवान होते हैं, जैसे अन्नकूट इत्यादि का पर्व होता है, श्रीमद् भागवत की कथा इत्यादि में जो भक्तगण होते हैं अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए कान्हा को 56 प्रकार के भोग का प्रसाद अर्पण करते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्यधाम की तीर्थ यात्रा पर। लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। समझाना मुझे